निर्मल बाबू, मैं अपनी जान दे सकता हूँ लेकिन आपको हारते हुए नहीं देख सकता। मैं अभी भी वो काम करवा सकता हूँ, आप आदेश दें। कैसा काम? जा मित्वा, उस औरत को किसी भी हालत में गवाही मत देने देना। जा, आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा। मित्वा, मित्वा कहाँ जा रहे हो? स्वाजी, नहीं, अब आप हमें मत रोकिए। अगर हम रुक गए तो निर्मल बाबू की इज्जत दूर में मिल जाएगी और वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। सुनिए, कहाँ भेजा आपने मित्वा को? तेरी बहू की आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने के लिए। क्या? ये क्या करवाने जा रहे हैं आप? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। लेकिन मैं भी यकीन से कह सकती हूँ, शक्ति सिंह के होते हुए मेरी बहू का बार भी बाका नहीं हो सकता। दुख तो मुझे इस बात का है कि आप इतने नीचे भी गिर सकते हैं। जब तू पत्नी होकर मुझे ऊंचाइयों से नीचे गिराने पर तुली है तो मैं भी कब तक संभल पाऊंगा? तूने तो मेरा साथ निभाने की कसमें खाई थी, पतिव्रता होने का वचन लेते हुए साथ फेरे लिए थे तूने, फिर क्यों क्यों मेरी खिलाफत करने पर उतर आई है तू? आइए प्रभा देवी जी, आइए। माफ कीजिए, बिना इत्तला दिए चली आई। समधन जी, आप में और तेजस्वी में सुलह करने के इरादे से आई हैं? हाँ शोभा जी, मैं चाहती हूँ कि समधी जी मेरी बेटी को अच्छी भावना के साथ स्वीकार कर ले। वो इस जन्म में कभी नहीं होगा प्रभा देवी, और इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि औरत होकर पुरुष को अपमानित करने का अंजाम क्या होता है। मैं फिर कहती हूं समधी जी, अगर मैंने कभी आपको बुरा भला कहा तो उसकी सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। वो इस घर की दहली छोड़कर जाना नहीं चाहती क्योंकि ये उसके पति का घर है। कौन कहता है ये घर पहले मेरा है, मैं मरने के बाद सजी का होगा? तब तुम्हारी बेटी चाहे तो इसे अपने पति का घर कह सकती है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ये घर तुम्हारी बेटी के ससुर का ही रहेगा, उसी की सत्ता रहेगी इस घर में। हमारे खानदान की यही परंपरा है। उसी खानदान के पुरुष को 25 साल पहले तुमने सबके सामने दलील किया था। कैसा झटका दिया मैंने आज है? जिस औरत ने मुझे सबके सामने ललकारा, वही औरत आज मेरी चौखट पर खड़ी होकर अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांग रही है। भीतर भीतर तक सुख मिल रहा है मुझे। इसी दिन का मुझे इंतजार था प्रभा देवी, उस दिन तुम सुना रही थी और मैं सुन रहा था, आज मैं सुनाऊंगा, तुम सुनोगी। भगवान के लिए भूल जाइए उस बात को, ये जुनून इस घर में बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं लाएगा। मां काली भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगी। अगर मां काली को मेरी बर्बादी मंजूर है तो आज मुझे यह भी स्वीकार। समधी जी, आप चाहते हैं कि मैं अपने कहे उन शब्दों के लिए आपसे माफी मांगूं, आपकी चौखट पर अपना सर झुका दूं, तो मेरी बेटी के सुख के खातिर मुझे वो भी मंजूर है। लीजिए, मैंने अपने सर को झुका लिया, आप मुझे माफ कर दीजिए।
और मेरी बेटी को सुख से रहने दीजिए। यह क्या कर रही है प्रभा देवी जी? अब आपको इनके आगे या किसी भी मर्द के आगे यूं लाचार होकर सर झुकाने की जरूरत नहीं है। आपकी तरह मैं भी एक औरत हूं और अब मैं किसी औरत को एक मर्द के आगे लाचार होते हुए नहीं देखूंगी। आपकी बेटी ने मुझे यही सिखाया जिसकी सास होने का मुझे गर्व है प्रभा देवी जी। तो अब तुम औरतें मिलकर मुझसे लोहा लेने की बात सोचने लगी? चलो आज कुछ फैसला होकर रहेगा। या तो आज मर्द जाति की आन का इतिहास फिर से लिखा जाएगा और या फिर तुम औरतों का कल्याण हो जाएगा। समझी जी, हमारा कल्याण तो तभी होगा जब आप लोग हमें वाजिब सम्मान देंगे। मैं अपनी मर्जी से यहां आई थी, जितना कुछ मुझे कहना था मैं कह चुकी। एक मां इससे ज्यादा और विनती क्या कर सकती है? इसके बाद आप लोग जैसे मेरे बेटी के साथ बर्ताव करना चाहे मैं रोकने नहीं आऊंगी। मगर ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती हूं कि आपके कर्म इस मां के हृदय से कोई बद्दुआ ना निकलवाए, क्योंकि बेबस इंसान की बद्दुआ किसी को सुख से रहने नहीं देती। शोभा जी, आपके यहां मेरा जितना आना जाना था वो हो गया आज। किशोर बाबू, क्या हुआ? हो गया काम? नहीं निर्मल बाबू। क्या? हाँ, भाग्य की धनी है ये तेजस्विनी। हमारे आदमी ने कोर्ट के बाहर गोली चलाई भी, लेकिन गोली सुसरी उसके रिवॉल्वर में फंस के रह गई। और वो आदमी? वो हमारी तरह भाग निकले होंगे। पुलिस को थोड़ी बहुत मरण तो हो ही गई थी। इसका मतलब उन दोनों ने कोर्ट में चक्रधर के खिलाफ बयान दे दिया। हाँ, कभी का। अब तो बस एक ही रास्ता है निर्मल बाबू, इस तेजस्विनी को घर से निकाल कर बाहर कर दीजिए, नाता तोड़ दीजिए इसे। नहीं मितवा, अब इतनी जल्दी नाता भी नहीं टूटेगा इससे। मेरा राजनीतिक जीवन आज शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया इस तेजस्विनी की वजह से। अब तो बिना हिसाब चुकाए मैं ये नाता तोड़ूंगा नहीं। हाँ, नमस्कार लंकेश जी। हाँ लंकेश जी, मैं हाथ जोड़कर माफी मांग सकता हूं। मेरे बेटे की शादी मुझे भली नहीं लंकेश जी। अब तो अपनी बहू से नाता तोड़ने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। उसके बाद भी आप चाहें तो क्या हुआ? क्या कहा लंकेश जी ने? सब ठीक है? ये इस औरत से पूछ मित्रा, इस औरत से पूछ। अबे तेरी बीवी ने कितना लाचार बना दिया है तेरे बाप को।
जिसके इशारे पर लोग नाचते थे, जिसकी एक आवाज पर लोग डर जाते थे, उसे तेरी औरत ने एक बेचारा सा पुरुष बना दिया है। क्षमा करें बाबूजी, मेरे मन में आपके प्रति कभी कोई दुर्भावना नहीं थी और ना ही मैंने ऐसा कोई गलत काम किया है जिसके लिए मुझे अफसोस हो। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। अगर मैं एक औरत होकर औरत के हक के लिए आपकी खिलाफत नहीं करती तो उन हजारों नारियों को और भी कमजोर बना देती जो पहले ही समाज में कमजोर हैं। आग लगाने के लिए सिर्फ एक तीली काफी होती, उसके बाद आग अपने आप फैलती। अगर आपने पुरुषों की अगुवाही करने का जिम्मा लिया है तो अब मैंने भी नारी की अगुवाही करने का बीड़ा उठा लिया है। धिक्कार है आप पर शशि भैया, जो आप अपनी पत्नी को निर्मल बाबू से जुबान लड़ाते हुए देख रहे हैं। अधिकार है तुम्हें तेजस्विनी, जो अपनी पति की मौजूदगी में उसी के पिता पर उंगली उठा रही हो। मुझे धिक्कारने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो मितवा। इस घर के लोगों ने तुम्हें भैया जी का दर्जा दिया, आदर दिया, इस परिवार का एक सदस्य समझा, वरना तो तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकर से ज्यादा नहीं है। और तुमने अपनी अंधी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए मुझ पर और शशि पर कातिलाना हमला करवाया। मेरी नजरों में तुम्हारे लिए जो थोड़ा बहुत भी लिहाज था वो आज खत्म हो गया। और भैया जी, मैं भी आपको कभी माफ नहीं करूंगा, वो तो हमारी किस्मत थी जो हम बच गए। और शशि, इनको ये भी बता दो कि वो आदमी जिसने हम पर गोलियां चलाई थी उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। और शक्ति सिंह बहुत जल्द उसे उगलवा लेगा कि वो किसके कहने पर हमें मारने आया था। वो मेरे कहने पर तेरी बीवी को मारने गया था। तो अपने बाप को जेल में भेजवाएगा तू? मौत एक बार टल सकती है, बार बार नहीं। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? जो काम मैं आज करने जा रहा हूं वो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। नहीं बाबूजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। बाबूजी, क्या आप सचमुच हम लोगों को? तुम लोगों को नहीं, सिर्फ तुम्हें। नहीं बाबूजी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। शशि, हट जा मेरे सामने से, हट जा। बाबूजी, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। अब मुझे किसी कानून की परवाह नहीं है। नहीं निर्मल, हट जा। मैं तो ये क्या कर रहे हो? अपने बेटे मेरी बहू तान रहे हो? हट जा मेरे सामने से। तेरी बहू कह रही है कि इसने औरतों की अगुवाई का बीड़ा उठाया है, औरतों की मसीहा बनकर खड़ी हो रही है। किसी को तो पहल करनी होती है बाबूजी। आप खुद सोचिए, इतने सालों से औरतों को मर्दों ने कमजोर बनाकर रखा है। आप जैसे लोग तो उन्हें अपने शारीरिक बल से दबाते आ रहे हैं। क्या ये सही? अनपढ़ और बंद दिमाग वालों से तो मैं उम्मीद ही नहीं करती कि वो मेरी बात समझेंगे, मगर आप तो विद्वान हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में प्रगतिशील भाषण देते हैं, आज की नारी के गुणगान भी करते हैं और अपने ही घर में दोगला आचरण करते हैं, अपनी ही पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। क्या ये सही है बाबूजी? शत प्रतिशत सही है। तुम क्या समझती हो? तुम जैसी चंद औरतों के झंडा उठा लेने से समाज में बदलाव आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। हम मर्द अगर तुम औरतों की नजरों में गलत भी हैं तो उन्हें आप गलत होकर ही जीना होगा। पुरुष जाति सर्वश्रेष्ठ है, इस ख्याल की बुनियाद तो 5,000 साल पहले रखी जा चुकी है और तुम 5,000 साल पुरानी बुनियाद को हिलाने की कोशिश कर रही हो। मगर वो बुनियाद गलत है बाबूजी। गलत या सही का फैसला कयामत के दिन होगा। आज भी इस घर में कयामत आने वाली है। खून तो बहेगा। ये क्या कर रहे हैं? मेरी बहू पे गोली चलाने से पहले आपको मुझे मारना होगा। अगर तू कुर्बानी देने के लिए इतनी ही बेताब है तो मेरे हाथ तुझ पर गोलियां चलाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये क्या पागल कर रहे हैं बाबूजी? वही जो मेरे भीतर के पुरुष का कर्तव्य है, वही। निर्मल शास्त्री आज तक जिन ख्यालात के साथ जीता रहा है उन्हीं ख्यालात के साथ जिएगा। यही सिखाया है हमारे पूर्वजों ने, पीढ़ी दर पीढ़ी
यही ख्यालात हम पुरुषों को विरासत में मिलते रहे हैं और मुझसे मेरी विरासत छीनने आई है ये तेजस्वनी। तुम तीनों एक हो जाओगे तो ये मत समझना कि मैं अकेला पड़ गया। मैं तुम लोगों के सामने कभी घुटने नहीं टेक सकता। बाबूजी आप सब कुछ समझकर भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आपका ये बर्ताव फिजूल है। आपने अपने चारों ओर पुरुष होने के गुरूर की दीवारें खड़ी कर ली हैं। मगर आपको मालूम नहीं है आप खुद उन्हीं दीवारों में बरसों से कैद हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ आप अपने को उस कैद से आजाद कर दीजिए। हम सभी लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी तो तुमने आकर बदल ही दी तेजस्वी, मगर मैं इस बदलाव के लिए कभी तैयार नहीं हो पाऊंगा। मैंने अपने गुरूर के साथ एक जिंदगी तो बिता दी है। अब उस गुरूर को मैं एक पल में तोड़ दूं क्योंकि मैं एक औरत के सामने लाचार हो गया हूं? ना ना, मेरा गुरूर से नाता तो अब मरने के बाद ही टूटेगा। मैं जानता हूं तुम लोग मुझे मेरे गुरूर के साथ जीने नहीं दोगे और मुझे किसी और तरह से जीना गवारा नहीं है। देखो तुम सब, देखो मौत को गले लगाने का मंजर कैसा होता। नहीं बाबूजी, बाबूजी, निर्मल बाबू, ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? Thank you.